बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स जो है बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने मनी और जो है टाइम को सेव कर सकते हैं। वी आर इंडियन, तो हम इंडियंस जो है जुगाड़ करते हैं हमेशा, एंड आई फील प्राउड कि हम इंडियंस हैं। तो चलिए अपने इंडियन जुगाड़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हम सब के घर में ना इस तरह से ना इलायची होती है, और इसे इलायची के दाने को यूज़ करके हम इसके छिलके जो है बेकार कर देते हैं। तो आप इसे किस तरह से ना अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, और इनके छिलकों में भी ना इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है ना, बहुत फ्लेवरफुल से इसके छिलके होते हैं। तो इसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, क्योंकि इलायचियाँ ना बहुत ज़्यादा महंगी है। इसे आप क्या करें, चाय पत्ती का डब्बा खोलें और उसके अंदर जो इसके छिलके डाल दें, तो पूरे चाय पत्ती के डब्बे में ना आपकी इलायची की खुशबू होगी। और जब आप इस चाय पत्ती को चाय में यूज़ करेंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी, खुशबूदार चाय बनके आपकी तैयार होगी। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ, जो कि इस प्याज के हवाले से है। तो प्याज हम यूज़ करते हैं, और जब इसे कद्दूकस करना होता है ना हमें, तो क्या होता है कि इसको कद्दूकस करते हैं ना, तो इसकी सारी जो परतें ना खुलती है, अलग अलग हो जाती है, और कद्दूकस ना अच्छे से नहीं हो पाता। तो आप किस तरह से इसे ना जो छील के कट करें कि आपका जो प्याज बहुत अच्छे से कद्दूकस हो, और इसकी एक भी परतें नहीं खुलेगी, सारा प्याज है ना अच्छे से कद्दूकस होगा। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उस तरह से ना प्याज को आपको छील लेना है, और जो ये इसका रूट वाला हिस्सा है उसे बिल्कुल भी नहीं कुछ करना, आपको ऐसे ही रहने देना, और धो के और फिर प्याज को ना आप इस तरह से कद्दूकस करें, इसकी एक भी लेयर नहीं खुलेगी, क्योंकि ये आपस में ऊपर जहाँ रूट है ना वहाँ से बंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही काम की है। तो जब भी हम बाउल्स वगैरह में जो है सर्व करते हैं, इसमें जो है शोरबे वाला सालन होता है, ग्रेवी वाला, तो कोरमा, उसमें क्या होता है ना, हम इसके अंदर स्पून डालते हैं तो वो अंदर ही डूब जाता है स्पून, और इतना मैसी हो जाता है, इसको निकालना बहुत बेकार लगता है। और जो स्पून है ना, और जो सर्विंग स्पून छोटे वाले, वो टिकते ही नहीं है इसके अंदर, और एकदम से गिर जाते हैं। तो इनकी ग्रिप बनाने के लिए ना, आप जहाँ रखेंगे ना वैसे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ना ये रबड़ बैंड ले लेना है इस तरह वाला, और इसको इस तरह से इसमें एडजस्ट कर देना है जितना आपको करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको आप जहाँ मर्जी जिस तरह से ऐसे रखेंगे ना, इस रबड़ की वजह से ना इसकी ग्रिप बनेगी, और ये बिल्कुल स्लिप नहीं होगा, और ये सालन के अंदर डूबेगा नहीं, और आपका देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और सर्व करने में भी ईजी होगा। तो बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टिप्स की तरफ, जो कि इस हेलमेट के हवाले से है। तो गर्मियाँ बहुत है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, और जब दूर दूर ट्रैवल करते हैं ना, तो ये हेलमेट यूज़ होता है, और हेलमेट जो है धूप की वजह से इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार जो है गर्मियों में लू लग जाती है, और सर पे बहुत पसीना आता है। तो आपको इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ना क्या करना है, देखिए नीचे इसमें थर्माकोल लगा हुआ है, इसके ऊपर का इसको लेयर को आपको हटा देना है, बहुत आराम से देखिए हट जाता है, मैंने इसको कुछ भी नहीं करा, आराम से ये हट जाता है, और इसको हटा लेना है आपको। और अब क्या करना है आपको, कोई भी आपके घर में सॉफ्ट टॉवल होगा ना छोटा वाला, जो इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, तो आपको इस तरह से फोल्ड करके इसको रख देना है। और इसको रखने के बाद है ना, आपको जो आपने इसके ऊपर से फोम हटाई है ना, उसको वापस इसमें इसके अंदर ना बिछा देना है, और बिछाने के बाद ये आपका हेलमेट तैयार हो गया, जो आपको बहुत तेज़ कड़कती धूप से बचाएगा, सर पे आपके डायरेक्ट जो है धूप नहीं लगेगी, जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लू नहीं लगेगी, और सर पे हीट नहीं जाएगी, और बॉडी डिहाइड्रेशन से बचेगी। आई होप आपको मेरा ये टिप्स बहुत ज़बरदस्त लगा तो लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप्स की तरफ, तो हम जब सालन को जो है ये सर्व करते हैं, तो क्या होता है ना, इस तरह से ना ये छोटे वाले चम्मच होते हैं तो ये गिरते हैं। तो मैंने आपको जो हैक बताई, या तो वो कर लें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ना, ताकि आपको हैक भी ना करना पड़े इस तरह से, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। बड़ा सर्विंग स्पून लेना है आपको, और इसको आप देखिए इसके अंदर डालिए, तो ये बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, और आगे कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो बहुत अच्छे से एडजस्ट होगा, और आप इसमें आराम से सालन निकाल सकते हैं बिना किसी हैक को यूज़ करे हुए। आई होप आपको मेरे सारे जो हैक्स और टिप्स बहुत अच्छे लगे हों, लगे हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी ना बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोज़ आते रहें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।